दोस्तों अप्रैल माह का अंतिम सप्ताह शुरू हो चुका है और जो रबी की फसल थी उसकी भी कटाई का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। खेत हमारे खाली हो चुके हैं, तो ऐसे में ग्रीष्मकालीन की जो खेतों की जुताई है वो जुताई भी शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों जिन भी किसान भाइयों के पास अगर खेत के अंदर पर्याप्त सिंचाई की व्यवस्था है तो दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी कि आखिर हम मई के अंदर वो कौन कौन सी सब्जियां लगाएं, कौन कौन सी फसलें लगाएं जिनको हम लगाकर और बहुत ही बेहतर मुनाफा हम कमा सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल भारत किसान, हमारे किसान चैनल पर। तो जो भी किसान भाई चैनल पर नए हैं या जिसने भी चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अब अपन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिर हम जो मई माह के अंदर जो सब्जियां लगाने जा रहे हैं, वो आपको पता है कि जो हम मई के अंदर सब्जियां लगाएंगे वो बरसात तक आगे तक चलने वाली है। तो दोस्तों ऐसे के अंदर हमारा खेत का जो सिलेक्शन है वो हमें बरसात के हिसाब से करना है। तो हम जिस भी खेत का दोस्तों सिलेक्शन कर रहे हैं उसके अंदर पानी की जो है पर्याप्त मात्रा के अंदर निकासी होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम के अंदर अगर बरसात का पानी भर गया खेत के अंदर तो दोस्तों हमारी पूरी फसल जो है बर्बाद हो जाएगी। तो सबसे पहले आपको खेत का सिलेक्शन बढ़िया करना है, उसके बाद में आपको खेत की जो जुताई है वो गहरी जुताई करनी है, और उसके बाद में जो आप पलेवा कर रहे हैं वो भी गहरा पलेवा करना है। हमें गहरी यदि हम पलेव करेंगे तो हमारे जो भी हम फसल लगाएंगे उसके अंदर दोस्तों तनाव नहीं आएगा, किसी प्रकार का सूखन नहीं आएगी उसके अंदर। तो इन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, सबसे पहले आप अपने खेत के अंदर लौकी लगाइए, बढ़िया सी खेत की तैयारी कर दीजिए, अच्छी हाइब्रिड वैरायटी ले लीजिए। एक लौकी दोस्तों एक ऐसी फसल है जिसको आप कैसी भी मिट्टी के अंदर पैदा कर सकते हैं और मार्केट के अंदर बेचने की कोई समस्या नहीं है। डिमांड की बात करूं तो 365 दिन दोस्तों लौकी की डिमांड होती है। तो आप लौकी अपने खेत के अंदर लगाएंगे तो बहुत ही शानदार दोस्तों आप मुनाफा कमाएंगे। तो आप एक टुकड़े के अंदर आप लौकी अपने खेत के अंदर जरूर लगाएं। उसके बाद में दोस्तों आप अपने खेत के अंदर हरी मिर्च भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी भी मार्केट के अंदर 365 दिन डिमांड होती है। हर सब्जी के अंदर तीखी वाली हरी मिर्च दोस्तों चाहिए, तो आप मिर्च लगा सकते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि आप बरसात वाली मिर्च लगाने जा रहे हैं तो उसका भी टाइम दोस्तों नर्सरी तैयार करने का टाइम भी मई माह के अंदर होता है। तो आप मई माह के अंदर मिर्च की जो है नर्सरी तैयार करके भी दोस्तों इससे भी बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं, बिक्री कर सकते हैं नर्सरी की, क्योंकि हर एक किसान जो है मिर्च की नर्सरी जो है नहीं डालता है। तो आप अगर अपने खेत के अंदर मिर्च की नर्सरी डालेंगे तो 45 दिन के अंदर तैयार हो जाएगी और आप बिक्री से बहुत अच्छा आप मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप अपने खेत के अंदर मूली लगाइए, और वो भी बेड बनाकर बेड पर मूली लगाइए। तो आपको आने वाले टाइम के अंदर थोड़े चैलेंज है इसके अंदर, लेकिन यदि आपने खेत के चारों साइड में मक्का की फसल कर दी और बीच में यदि 5 खुड के बाद में 1 खुड 2 खुड मक्का के लगा दिए, तो जो गर्मी के अंदर आगे आने वाले टाइम है जो लू का होगा उससे हमारी जो मूली की फसल बच जाएगी। और जो मार्केट के अंदर जब आपकी मूली की फसल जाएगी तो दोस्तों बहुत ही महंगी बिकती है शुरुआत में जब जाती है, जो गर्मियों की मूली होती है। हालांकि मैंने पहले कहा चैलेंज जरूर होते हैं, लेकिन यदि उनको चैलेंज को आपने स्वीकार किया और चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए फसल आपने अगर मार्केट के अंदर पहुंचा दी तो बहुत ही शानदार दोस्तों आप मुनाफा कमा सकते हैं। अच्छी सी वैरायटी का चयन करके आप अपने खेत के अंदर मूली भी लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अगली फसल मैं आपको बताता हूँ, आप अपने खेत के अंदर अच्छी सी तैयारी करके अरबी की फसल भी लगा सकते हैं, इससे भी आप बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। उसके बाद में जो सलाद वर्गीय जो फसल है खीरा, आप 10 मई के बाद में इसकी भी बुआई अपने खेत के अंदर कर सकते हैं। आपको पता है कि सलाद की डिमांड बहुत ज़बरदस्त होती है मार्केट में, और खीरा एक ऐसी फसल है जिसकी 365 दिन डिमांड होती है, और थोक के रेट भी हमें कम से कम 20 से 30 रुपए किलो दोस्तों इसके मिलते ही हैं, और जब इसकी कमी आती है तो 50 से 60 रुपए किलो भी हमें थोक के रेट मिलते हैं। तो आप खीरे की फसल लगाकर भी दोस्तों बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं बढ़िया सी खेत की तैयारी करके 15 अप्रैल से 30 जून के बीच में आप अदरक की फसल भी दोस्तों अपने खेत के अंदर लगा सकते हैं। अदरक की फसल से भी दोस्तों आपको पता है कि कोरोना काल के बाद में अदरक की कितनी ज़बरदस्त डिमांड हुई है, सबको इम्यूनिटी चाहिए। तो आप अदरक की फसल से भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं, मार्केट के अंदर इसकी भी ज़बरदस्त डिमांड होती है। तो आप अदरक की फसल भी अपने खेत के अंदर ज़रूर लगाएं अगर आपके एरिया के अंदर पैदावार अगर अदरक देती है तो।
उसके बाद में दोस्तों आपको एक मसाला वर्गीय फसल बताता हूँ, आप 10 अप्रैल से 15 जून के बीच में आप हल्दी की फसल भी लगा सकते हैं। हर घर के अंदर इसकी दोस्तों जरूरत होती है, तो आप हल्दी की फसल अगर आपके एरिया के अंदर होती है तो आप हल्दी की फसल लगाइए और इससे भी आप बहुत अच्छा मुनाफा दोस्तों आप कमा सकते हैं। बाद में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी फसल बताता हूँ जिसके अंदर बहुत ही कम खर्चे आप चौलाई लगाइए, जो 3 से 4 बार कटिंग हो जाती है, और लाल वाली चौलाई यदि आप लगाएंगे तो कम खर्चे के अंदर कम समय के अंदर बहुत अच्छा आपको मुनाफा देगी। तो आप चौलाई की खेती भी कर सकते हैं, यदि आप चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आप धनिया की फसल भी गर्मियों के अंदर कर सकते हैं, और इसकी डिमांड बहुत ज़बरदस्त होती है और रेट गर्मियों के अंदर दोस्तों धनिया की फसल के अंदर बहुत ज़बरदस्त होते हैं। उसके बाद में आप जो ग्वार फली होती है, जो सब्जी वाली, वो ग्वार फली भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि इसका भी अभी सीजन चल रहा है और आने वाले टाइम के अंदर ये भी आपको बहुत अच्छा मुनाफा देगी। अब दोस्तों मैं आपको कुछ फसलें ऐसी बताता हूँ जिनकी हम अब 4 फसलें आपको बता रहा हूँ जिनकी हम नर्सरी तैयार कर सकते हैं, और आगे आने वाले टाइम के अंदर वो फसलें जो है उनकी हम नर्सरी तैयार करके वो फसलें लगाएंगे, तो आप नर्सरी से भी बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हैं और अपने खेत के अंदर लगा भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सलाह देता हूँ, आप प्याज की नर्सरी लगाइए, प्याज की नर्सरी भी लगा सकते हैं, जो आगे बरसात के अंदर जो प्याज लगेगी उसकी नर्सरी का भी आगे आने वाला टाइम है, तो आप प्याज की नर्सरी से भी बहुत अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। मिर्च की नर्सरी का मैं पहले बता चुका हूँ, तो मिर्च की नर्सरी भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों फूल गोभी का भी टाइम आएगा आगे लगाने का, तो आप फूल गोभी की भी नर्सरी अभी तैयार कर सकते हैं। उसके बाद में आप जो टमाटर है, टमाटर जो लगेंगे आगे, उसकी भी आप नर्सरी तैयार कर सकते हैं। और दोस्तों आगे आने वाले टाइम के अंदर हम बैंगन भी अपने खेत के अंदर लगाएंगे, तो आप बैंगन की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 4 से 5 फसलों की मैंने नर्सरी बताई है, आप इन नर्सरियों को भी अगर आप तैयार करेंगे तो इनसे भी आप बहुत अच्छा अपने खेत के अंदर मुनाफा कमा सकते हैं। तो उसके बाद में दोस्तों आपको एक बहुत ज़बरदस्त डिमांड वाली फसल बताता हूँ, आप अपने खेत के अंदर कपास भी लगा सकते हैं, जिसके रेट पिछले साल भी बहुत ही शानदार थे और आने वाले टाइम के अंदर भी चांस ऐसे हैं कि बहुत ही शानदार रेट रहने वाले हैं। बढ़िया वेराइटी का चयन करें, देसी खाद डालें और पौधे से पौधे की दूरी पर्याप्त मात्रा के अंदर लगाएं, तो आप कपास की खेती अगर अपने खेत के अंदर लगाएंगे तो बहुत अच्छी आप इनकम इससे भी कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया था, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, मेरी जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।